हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर राहिल चौधरी, आई डॉक्टर, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसिक लेजर से जुड़े बहुत ही कॉमनली आस्क क्वेश्चंस जो अक्सर मेरे पेशेंट्स पूछते हैं मेरी प्रैक्टिस में या यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में। अक्सर मैं इन क्वेश्चंस को देखता हूँ। लेसिक लेजर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, चश्मा हटाने की एक बहुत ही कारगर विधि है। पूरे दुनिया में इस विधि का इस्तेमाल होता है। हालांकि लेसिक लेजर से ऊपर भी अब कुछ टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जैसे स्माइल या कंट्यूरा विजन, लेकिन ओवरऑल इन सारी टेक्नोलॉजीज का बेसिक प्रिंसिपल लेसिक के ऊपर ही आधारित है। तो लेसिक लेजर से जुड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को आज हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और आपके सारे डाउट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोग मेरे से कॉमनली पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या लेसिक लेजर से कोई इंसान अंधा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान की रोशनी चली जाए, ऑपरेशन में कुछ गड़बड़ी हो जाए कि इंसान अंधा हो जाए? देखिए, लेसिक लेजर से अंधा होने का चांस है जीरो। एक भी इंसान लेसिक लेजर से अंधा नहीं हो सकता। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है कि क्या सर्जरी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या कुछ गड़बड़ हो सकती है, कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है कि अगर हमारी किस्मत बहुत ही खराब हो? देखिए, बुरा से बुरा बहुत ही रेयरली कई हजार में से एक इंसान का मैसे देखते हैं कि हमने सब कुछ करा लेकिन चश्मे का नंबर पूरा ठीक नहीं हुआ। मान लीजिए चश्मे का एक चौथाई या आधा नंबर रह गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक महीना हम वेट करते हैं और फिर एक सेकेंडरी प्रोसीजर, जिसको हम कहते हैं इन्हांसमेंट पॉलिशिंग या लेजर टचअप प्रोसीजर, उससे ये जो आधा या एक चौथाई नंबर बच गया है उसको भी हम पॉलिश करके ठीक कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के बाद नज़र तो आपकी परफेक्ट होनी ही होनी है, या तो अगले दिन हो जाएगी या अगर किस्मत बहुत ख़राब है एक महीने बाद टचअप के बाद फिर परफेक्ट हो जाएगी। तो लेसिक लेजर से कोई अंधा नहीं हो सकता, ये बात हमारी बहुत क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं कि क्या लेसिक लेजर से हेलोज एंड ग्लेयर्स बन सकते हैं? वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेसिक लेजर में हेलोज एंड ग्लेयर्स तब बनेंगे जब आपकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आई हैं और आपका ऑपरेशन कर दिया गया है। तो इसमें बहुत सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वो होता है आंख का प्यूपल साइज। कि अगर ये प्यूपल साइज ज़्यादा बड़ा है और हमने उतने बड़े एरिया में लेज़र को नहीं डाला तो रात के टाइम हेलोज एंड ग्लेयर्स की प्रॉब्लम आ सकती है। हेलो ग्लेयर का मतलब होता है कि जब आप लाइट को देखते हैं, स्पेशली रात के टाइम जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, तो लाइटें फैली फैली दिख सकती हैं, लाइटें फुलझड़ी जैसे दिख सकती हैं। तो अगर आपकी रिपोर्ट्स को डॉक्टर ने प्रॉपरली एनालाइज करा है और आपके प्यूपल के साइज के हिसाब से लेजर का जोन को बढ़ाया है तो किसी इंसान में हेलो ग्लेयर की प्रॉब्लम नहीं आ सकती। तो ये आपको अपने डॉक्टर से भी डिस्कस करना चाहिए कि डॉक्टर साहब, मेरे प्यूपल का साइज क्या है और लेजर को हम कितने जोन में कर रहे हैं जिससे ये प्रॉब्लम आपको ना बने। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पेशेंट पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या लेसिक लेजर या ये जो लेजर की विधियों से हम ऑपरेशन कराते हैं चश्मा हटाने का, क्या उससे आंखों में ड्राइनेस बन सकती है? और क्या ये ड्राइनेस परमानेंट तो नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि पूरी जिंदगी आंखों में ड्राइनेस रहेगी? देखिए, लेसिक लेजर का सबसे कॉमन साइड इफेक्ट है आंखों में ड्राइनेस बनना, और ये ड्राइनेस यूजुअली 2 से 3 महीने तक रहती है। तो 2 से 3 महीने हम आपको एडवाइस करते हैं कि कंफर्टेबल रहने के लिए लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स को दिन में 4 से 5 बार यूज करना चाहिए और आपको ड्राइनेस फील नहीं होती। कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत सेंसिटिव हैं तो हो सकता है 3 की जगह 4 या 5 महीने भी ड्राइनेस आ जाए, और कभी कभी हम देखते हैं लोग इतने सेंसिटिव नहीं है, 1 महीने में ही उनकी ड्राइनेस खत्म हो जाती है। तो बाय डिफॉल्ट हम लोग आपको 3 महीने की लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स तो देते हैं कि 3 महीने आप ड्रॉप्स डाल लो, आपको ड्राइनेस तंग नहीं करेगी। उसके बाद भी अगर तंग कर रही है तो 1-2 महीने और डाल लिए, लेकिन ये ड्राइनेस परमानेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि ड्राइनेस चलती जाएगी सालों साल आपको ड्रॉप डालनी है। ज़्यादा ये हो सकता है कि 3 की जगह 5 महीने ड्रॉप डालनी पड़ गई, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी नहीं देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या लेसिक लेजर मेरे चश्मे का नंबर बिल्कुल परफेक्टली जीरो कर देगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरी आंख में कोई नंबर रह जाएगा प्रोसीजर के बाद? तो देखिए, इसमें हमें अगेन समझना है, ये एक तरह का रेपिटेटिव क्वेश्चन है। 99.99% लोगों का नंबर बिल्कुल परफेक्टली जीरो हो जाएगा।
लेकिन फिर भी 0.01 पेशेंट्स हमें ऐसे मिलेंगे जिनका आधा या एक चौथाई नंबर रह गया। बहुत रेयर है, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस में देखते हैं। और अगर इस तरह का नंबर रह भी जाता है तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक महीना हम वेट करते हैं, एक महीने बाद एक प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं लेज़र इन्हांसमेंट, लेज़र पॉलिशिंग या लेज़र टचअप, उससे इस आधे नंबर को ठीक करके आपको परफेक्ट कर सकते हैं। तो लेसिक लेज़र के बाद नंबर बिल्कुल परफेक्टली 0.99 में अगले दिन ही हो जाएगा। अगर 0.1% कुछ रह भी जाता है तो एक महीने में वो मैनेज हो सकता है। तो आपकी विजन तो परफेक्ट होनी ही होनी है, या तो नेक्स्ट डे या एक महीने बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या लेसिक लेज़र से मेरे चश्मे का नंबर हमेशा के लिए हट जाएगा? ऐसा तो नहीं है कि चश्मे का नंबर वापस आ जाएगा? देखिए, इसमें हमें दो चीज़ें समझनी है। सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि एक बार ये आपका लेसिक लेज़र हो गया, चश्मे का नंबर ज़ीरो हो गया, अब आपकी आंख एक नॉर्मल इंसान की आंख की तरह हो गई। अब हर नॉर्मल इंसान की आंख में उम्र के साथ बदलाव आएंगे, तो आपकी आंख में भी आएंगे। इसका क्या मतलब है? जब आपकी उम्र करीब 45-50 की हो जाएगी तो आंखों में एक रीडिंग का नंबर आना शुरू हो जाता है, और ये हर इंसान में आना है। आप लेज़र करवाओ ना करवाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होने हैं, वैसी उम्र के साथ 45 साल की उम्र में आपको रीडिंग का नंबर चढ़ना ही चढ़ना है। हालांकि अब रीडिंग के चश्मा हटाने की टेक्नोलॉजीज भी आने वाली हैं, तो अब आपके पास ये भी ऑप्शन होगा कि अगर आप 45 से ऊपर हो गए हैं तो आप अपनी रीडिंग का चश्मा भी हटवा सकते हैं। उसके ऊपर मैं ऑफकोर्स एक नई वीडियो बना के बहुत ही जल्दी डालने वाला हूँ। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि नंबर फ्लक्चुएट हो गया, कि हमने सब कुछ बढ़िया करा, नंबर बिल्कुल परफेक्टली ज़ीरो हो गया, लेकिन बॉडी में हीलिंग ज़्यादा हो गई या बॉडी में हीलिंग कम रह गई, उसकी वजह से आँख में एक चौथाई या आधा नंबर चढ़ गया। तो अगर इस तरह की सिचुएशन भी आ जाती है, अगेन बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा रेयर है, बिल्कुल मतलब बहुत ही रेयरली हमें मिलता है कि किसी का नंबर फ्लक्चुएट हो गया। लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। एक महीना हम रुकते हैं और उसके बाद वही लेज़र टचअप, लेज़र पॉलिशिंग या लेज़र इन्हांसमेंट से आधे नंबर को हटा के ज़ीरो कर देते हैं। तो दो तरह से हमें यह समझनी है बात, कि एक तो उम्र के साथ आपको पढ़ने का चश्मे का नंबर आना है 45 साल में, वो तो सबको ही आना है, लेकिन कभी कभार बॉडी के हीलिंग रिस्पॉन्स की वजह से जो नंबर आपका लेज़र से ज़ीरो हो गया था वो फ्लक्चुएट हो सकता है, आधा पौना नंबर आ सकता है। तो घबराना नहीं है, वापस अपने डॉक्टर के पास जाइए, वो थोड़ा सा लेज़र इन्हांसमेंट करके उसको ज़ीरो कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि क्या लेसिक लेज़र में दर्द होता है? क्या पेनफुल प्रोसीजर है? देखिए, लेसिक लेज़र ऑपरेशन में कोई दर्द नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई टांका नहीं है, कोई ब्लेड नहीं है, कोई पट्टी नहीं है, कोई हॉस्पिटलाइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। आंखों में ड्रॉप्स डाली जाती हैं, ड्रॉप्स नंबिंग ड्रॉप्स या सुन करने की ड्रॉप होती है, उनका असर 5-10 मिनट तक रहता है। 5-10 मिनट में आपका प्रोसीजर हो जाता है और इस प्रोसीजर में बिल्कुल भी आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील होता। एक तरह से इसको हम लोग सर्जरी भी नहीं कहते, एक तरह का प्रोसीजर है, क्योंकि इसमें सर्जरी की तरह कोई चीर फाड़ नहीं होती, सिर्फ सारा काम आपका लाइट से किया जाता है। तो लेसिक लेज़र में बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या लेसिक लेज़र आंखों में कोई निशान छोड़ देगा? कि अगर कोई मेरी आंखों को चेक करता है तो क्या उसको पता लग सकता है कि आंखों में लेसिक लेज़र हुआ हुआ है? वेल, देखिए, अगर कोई इंसान आपको टॉर्च से चेक कर रहा है या अगर कोई आपके सामने बैठा हुआ है, आपसे बात कर रहा है, तब तो लेज़र का निशान नहीं दिखता। लेकिन मान लीजिए कोई डॉक्टर आपको स्लिट लैम्प, ये इस तरह की एक मशीन होती है, इसमें अगर वो आपको चेक करता है तो वो डॉक्टर देख के बता सकता है कि आंखों में लेसिक लेज़र करा गया है। तो नॉर्मल बात करने में, या आप अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, रोज़मर्रा के काम कर रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, कलीग से मिल रहे हैं, उस टाइम नहीं पता चलता। हाँ, एक आंखों का डॉक्टर मशीनों से चेक करके बता सकता है कि आपकी आंख में लेसिक लेज़र हुआ हुआ है, क्योंकि वहाँ पे एक फ्लैप का निशान दिखता है जो स्लिट लैम्प में आइडेंटिफाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर हमने एक बार ही आंखों में लेसिक लेज़र करा लिया और आगे जाके आंख में कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, मोतियाबिंद आ जाता है, ग्लूकोमा आ जाता है, पर्दे की प्रॉब्लम आ जाती है, यूवियाइटिस आ जाता है, कोई भी और आंखों में प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या उसके इलाज कराने में कोई समस्या आएगी? ऐसा तो नहीं है कि हमने लेसिक लेज़र करा लिया था और फ्यूचर में अगर हमें कोई ट्रीटमेंट चाहिए हो आँखों की तो उसमें प्रॉब्लम आएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेसिक लेज़र के बाद आपके सारे आँखों की ट्रीटमेंट्स हो सकती हैं, लेकिन अगर आपकी आँख में लेज़र हुआ है और आप अपने आंखों के डॉक्टर से दूसरी तरह की ट्रीटमेंट ले रहे हैं
तो उनको बताना बहुत जरूरी है कि आपकी आंख में लेसिक लेजर पहले हो चुका है, ताकि अकॉर्डिंगली आपके डॉक्टर नेसेसरी कैलकुलेशंस करके आपको बेस्ट ट्रीटमेंट एडवाइस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि क्या लेसिक लेजर से कोई भी पावर ठीक करी जा सकती है? अगर किसी की पावर 5 है, 6 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, तो क्या कोई भी पावर लेसिक लेजर से ठीक करी जा सकती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेसिक लेजर से 8 नंबर तक का चश्मा, 8-8 तक का चश्मा हटाया जा सकता है मायोपिया में, +5 तक का नंबर हटाया जा सकता है हाइपरोपिया में, और 3 तक का सिलेंडर हटाया जा सकता है एस्टिगमैटिज्म। तो बेसिकली लेसिक लेजर सारे तरह के नंबर्स नहीं हटा सकता, लेसिक लेजर बना है छोटे नंबर्स को हटाने के लिए -8, एंड अगर आपका नंबर -8 या उससे ऊपर है तो हम आपको दूसरी टेक्नोलॉजी, जैसे एक ICL टेक्नोलॉजी होती है जहां पे हम आंख में एक लेंस डालते हैं, उससे हम आपका नंबर ठीक करते हैं। तो यूजली हम कहते हैं कि 0.5 से लेके 8 नंबर तक का चश्मा हम लेसिक लेजर से ठीक कर सकते हैं, उससे ऊपर का चश्मा -30 तक का चश्मा हम ICL से ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि अगर डॉक्टर साहब मैंने एक बारी लेसिक लेजर या चश्मा हटाने का लेजर करवा लिया, तो क्या अब मेरे बच्चों की आंख में भी चश्मा नहीं आएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने ऑपरेशन कराया और मेरी बच्चों की आंख में चश्मा नहीं आए? क्योंकि हमें पता है कि जेनेटिक्स की वजह से अगर पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो बच्चों की आंख में भी आ जाता है। देखिए, ये बिल्कुल एक तरह की मिथ है। अगर आपने अपना लेसिक लेजर कराया है तो हमने आर्टिफिशियली एक सर्जरी से आपका नंबर ठीक किया है, आपकी बॉडी में जो जेनेटिक कोडिंग है उसको हमने नहीं छेड़ा। तो अगर आपकी आंख में चश्मे का नंबर भी है और आपने लेसिक करा लिया, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चों की आंख में चश्मा नहीं आ सकता। जेनेटिक्स आपके अभी भी वही हैं। अगर दोनों पेरेंट्स की आंखों में चश्मे का नंबर होगा तो बच्चों की आंख में चश्मा नंबर आने का बहुत हाई चांस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें चश्मा पहन के हेडेक्स या IEX होते हैं, आंखों में दर्द या सिर दर्द होता है, तो क्या हम लेसिक से जब अपना चश्मा हटाएंगे तो ये भी साथ साथ ठीक हो जाएगा? देखिए, आंखों में दर्द और सिर में दर्द होने के कई हजारों कारण होते हैं। मान लीजिए नींद पूरी नहीं हुई, ज़्यादा कंप्यूटर पे आप बैठ गए, बॉडी में स्ट्रेस है कोई, माइंड में स्ट्रेस है कोई, कुछ सर्टेन दवाई की दवाइयाँ खा रहे हैं, BP बढ़ा हुआ है आपका, नींद पूरी नहीं हो रही, तो कई तरह के रीजंस होते हैं सर में दर्द या आंखों में दर्द होने के। उसमें एक रीज़न होता है कि अगर आपने चश्मे का नंबर ठीक नहीं पहना हुआ, तो अगर आपका सिरदर्द गलत चश्मा पहनने की वजह से बन रहा है और लेसिक लेजर से डॉक्टर ने बिल्कुल परफेक्टली आपके चश्मे का नंबर हटा के 0 कर दिया है, तो आपकी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये सिर में दर्द और आंखों में दर्द किसी और प्रॉब्लम की वजह से बढ़ रहा है, मान लीजिए आपका सिरदर्द आंखों में दर्द बन रहा है क्योंकि बॉडी में BP की प्रॉब्लम है, या आपकी नींद पूरी नहीं हो रही, या आप कंप्यूटर पे ज्यादा काम कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं होगी। तो अगर चश्मे की वजह से सिरदर्द था, वो प्रॉब्लम लेसिक से ठीक हो जाएगी। किसी और रीजन से सिरदर्द है तो वो प्रॉब्लम लेजर से ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली लोग मेरे से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, अगर लेजर कराते हुए मैं हिल गया या मेरी आंखें हिल गई, मैंने छींक दिया, मैंने खांस दिया, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी आंख में कोई डैमेज हो जाए या मेरी करेक्शन बिल्कुल परफेक्टली ना आए? देखिए, आजकल की जो लेटेस्ट मशीनें हैं, जैसे कंट्यूरा विजन एक टेक्निक है लेजर से चश्मा हटाने की जो लेसिक से बहुत ज़्यादा कारगर है, उसमें एक बहुत ही फास्ट ट्रैकर लगा होता है। उस ट्रैकर का काम होता है कि अगर आंख लेजर के दौरान हिल जाती है तो वो ट्रैकर भी आंख के साथ मूव करता है और लेजर हमेशा वहीं पे जाता है जहां पे उसको जाना है। तो अगर लेजर के दौरान आपकी आंखें हिल भी जाती हैं तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ट्रैकर उसका ध्यान रखता है और आपके रिजल्ट्स में कोई फर्क नहीं आता। फिर भी हमारा एडवाइजेबल ये होता है कि ट्रैकर की फैसिलिटी हम कम से कम यूज करें, जितना आप अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, जितना आंखों को आप रोक के रख सकते हैं उतना रोक के रखें, उतना ही आसान और प्रिडिक्टेबल हमारे लेसिक के रिजल्ट्स हो जाते हैं। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको लेसिक लेजर के बारे में और क्लैरिटी मिली होगी। लेकिन ऑफ कोर्स लेसिक लेजर अब बहुत पुराना हो गया है, लेसिक लेजर हम आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आजकल मेजॉरिटी लोगों में जो हम टेक्निक से चश्मा हटाते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंट्यूरा विजन,
जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक है चश्मा हटाने की, और इसका एडवांटेज ये है लेसिक या स्माइल जो पुरानी टेक्निक्स के ऊपर कंपेरेबल, कि कंटूरा से आपको एक सुपर विजन का इफेक्ट मिलता है। जो विजन की क्वालिटी आती है वो बहुत ही शार्प आती है, रिकवरी आपकी इसमें इंस्टेंट हो गई है कि आज ऑपरेशन कराए कल से दिखना शुरू, दो दिन में अपने काम पे भी लग जाओ, और सेफ्टी बहुत ज़्यादा हाई हो गई है। टेक्नोलॉजी USFDA से अप्रूव्ड है, तो मेजॉरिटी लोगों का आजकल कंटूरा से हम चश्मा हटाते हैं जिससे हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। तो तब तक के लिए आपके मन में और कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल बी बैक सून।